गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज अ चैप्टर इन आवर सोशल स्टडीज, चैप्टर 6, सो मैनी हाउसेस। सो इट वॉज वेरी स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, ईजी टू लेट अस सी व्हाट वॉज देयर। गो आउटसाइड योर होम, लुक अराउंड, यू विल सी मैनी टाइप्स ऑफ हाउसेस। सम हाउसेस आर बिग, सम हाउसेस आर स्मॉल। हाउसेस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स सच एज मड, straw, wood or bamboo, bricks, cement and iron, right? तो अलग अलग तरह के houses अलग अलग तरह से बने होते हैं, huts बनी होती हैं mud से, straw से, है ना। कुछ wooden houses भी होते हैं, पहाड़ों पे होते हैं ज़्यादातर वो, और generally जो हम आसपास अपने देखते हैं they are cemented, bricks, iron और cement से बने होते हैं, ठीक है। और अलग अलग और भी देखेंगे हम, टेंट जैसे बना होता है। तो आइए कंटिन्यू करें। हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट आर स्ट्रॉन्ग, दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेज। इन टाउन एंड सिटीज मैनी हाउसेज आर पक्का हाउसेज। हाउसेज मेड ऑफ मड और बैम्बू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, दे आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज। इन विलेजेस मैनी हाउसेज आर कच्चा हाउसेस। सम हाउसेस हैव फ्लैट रूफ्स, हाउस इन प्लेन्स हॉट प्लेसेस हैव फ्लैट रूफ्स। जैसे हम लोग हॉट प्लेसेस माने जाते हैं तो फ्लैट रूफ होती है, आप प्रॉपर वॉक कर सकते हो, चल सकते हो, है ना, फ्लैट होती है ज़मीन की तरह, फर्श की तरह। लेकिन सम हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ्स, जो ऐसे स्लोप बना हुआ होता है ना, आप उस पर चल नहीं सकते, बॉल रखोगे तो लुढ़क के गिर जाएगी। तो वैसे स्लोपिंग रूफ्स क्यों होती हैं, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है बहुत, या जहाँ ज़्यादा स्नोफॉल होता है, ताकि वो छत से गिरती रहे स्नो, है ना, इसलिए वो स्लोपिंग हाउस बनाते हैं, वहाँ स्लोपिंग रूफ्स बनाते हैं। हाउसेज इन प्लेसेज विच वी हैव विच गेट हैवी रेन और स्नो हैव स्लोपिंग रूफ्स, रेन एंड स्नो स्लाइड ऑफ अ स्लोपिंग रूफ ईजीली। सम हाउसेज सच एज टेंट्स, हाउस बोट्स एंड कारवांस कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लेस टू प्लेस। सो टेंट है, उसको हटाया दूसरी जगह लगा लिया, हटाया दूसरी जगह लगा लिया, सो मूवेबल है ये, है ना। ऐसी हाउस बोट है वो तो एक बोट पर ही है, व्हीकल के ऊपर है, सो इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन वाटर ओनली। एंड कारवां दिस इज ऑल्सो ऑन अ व्हीकल, समटाइम्स इट इज़ ऑन कार्ट्स, बैलगाड़ी वगैरह पर भी बनाया जाता है कारवां, एंड अभी जो है आप देख रहे हो एक वैन पर बनाया गया है। सो अ टेंट इज मेड ऑफ क्लॉथ, अ हाउस बोट इज अ फ्लोटिंग हाउस, इट फ्लोट्स ऑन वाटर, अ कारवां इज अ हाउस ऑन व्हील्स, इट इज़ पुल्ड बाय एन एनिमल और एन इंजन। बस आ गई एक्सरसाइज, इजी सी एक्सरसाइज, सब आप कर लोगे। मिसिंग लेटर्स पढ़ने, बंगलो, और ये क्या है, हट, टेंट एंड कारवां। अ हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स इज कॉल्ड अ पक्का हाउस, ये कच्चा पक्का जो है ना हिंदी से लिए गए हैं, ओके। तो मज़ा आता है इनको यूज करने में। A house built of mud is called a kacha house. तो जो भी आप देखते हो इस तरह से हिंदी से ले लिए जाते हैं, किसी और लैंग्वेज से ले लिए जाते हैं, ओरिजिनल लैंग्वेज के नहीं होते, आप अगर उन्हें ध्यान से देखो तो वो थोड़े थोड़े इंक्लाइंड होते हैं, झुके हुए लेटर होते हैं, इटैलिक्स बोलते हैं उनको, है ना, वो उसी फॉन्ट में नहीं लिखे जाते जिस फॉन्ट में बाकी टेक्स्ट लिखा है। A floating house is called a houseboat. A house on wheels called a carvaan. Fill in the blanks. In towns and cities, many houses are pakka houses. In villages, many houses are kacha houses. Houses in plains have flat roofs. This and snow slide off a sloping roof easily. Rain. Yes or no? Are mud houses stronger than brick house? No. Can tents be taken from one place, from place to place? Yes. Does a houseboat move on land? No. Do caravans have wheels? Yes. अब मैचिंग कर दीजिएगा, ये बहुत ईजी है, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये भी ईजी हैं।
पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को. व्हाट आर द पक्का हाउसेज मेड ऑफ? पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट. व्हाट आर कच्चा हाउसेज मेड ऑफ? कच्चा हाउसेज मेड ऑफ मड एंड बैम्बूज. मड एंड आप वो भी लिख सकते हो स्ट्रॉ, राइट. वेयर डू वी फाइंड हाउसेज विथ फ्लैट रूफ्स? वी फाइंड हाउसेज विथ फ्लैट रूफ्स इन प्लेन्स. एंड वेयर डू वी फाइंड हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ्स? वी फाइंड हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ्स इन हिल्स. बस माउंटेन्स भी कर सकते हो, ये डॉट तो ईजी है. बस तो बस हो गया हमारा सब कुछ डन. तो अब नेक्स्ट हम लेंगे रिवीजन कंप्यूटर्स का. बाय बाय.